भाई ये जो तीन लोगों की आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये तीन लोग वो हैं उन आठ रेपिस्टों में से जिन लोगों ने मिलकर ब्राजीलियन स्पेनिश लड़की का रेप करा था झारखंड के अंदर, जब वो अपने पति के साथ बाइक टूर पे निकली हुई थी। तो ये दोनों मियां बीवी किसी टेम्परेरी टेंट के अंदर रात बिताने के लिए रुके थे। वहां पर ये सात आठ लोग आए और इस औरत का रेप करने लगे, इसके पति को मारा, इसके पति को बांधकर इसके पति के सामने इसकी बीवी का रेप करा। और उस औरत का कहना ये है, इस कपल का कहना ये है कि ये लोगों ने इन दोनों को जान से मारने की भी कोशिश करी, लेकिन समहाउ किसी तरीके से ये लोग बच के बाहर निकले और इन लोगों ने अपनी जिस रिपोर्ट है इस इंसिडेंट को इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर करा। कहने को इन आठ लोगों ने पूरे देश के जो नाम है उसके ऊपर मिट्टी पलीत कर दी है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से तीन लोग पकड़े गए हैं और बाकी लोगों की जो तलाश जारी है पुलिस की, पता नहीं वो कब पकड़ेगी। लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या इन लोगों को सरेआम न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए या फिर इन लोगों को उस औरत के हवाले कर देना चाहिए और वो अपने अकॉर्डिंग पूरा बदला ले? भाई ये जो वीडियो देख रही है अंकित कुमार की फैमिली और उसके फ्रेंड्स की, जो किसी गुड़गांव के अंदर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। वहाँ पर खाना खाने के बाद इन लोगों ने माउथ फ्रेशनर का ऑर्डर करा। तो जब माउथ फ्रेशनर आया तो अंकित ने बोला कि भाई मेरी जो गोद में अभी 1.5 साल की लड़की है, मतलब बेटी बैठी हुई है, मैं नहीं खाऊंगा, आप बाकी सबको दे दो। उन लोगों ने जैसे ही खाया उन लोगों के जो मुँह से खून निकलने लग गया, कई लोगों की जबानों में कट लग गए और कुछ लोग तो खून की उल्टी करने लग गए। और वहाँ के जो आसपास के वेटर थे, आसपास के जो सपोर्ट स्टाफ था, किसी ने भी हेल्प नहीं करी इन लोगों की। तो बाद में अंकित ने 100 नंबर की पुलिस से बुलाकर उन लोगों की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पहले तो इन लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया। और वहाँ पर जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उन लोगों ने बोला कि इन लोगों की जो कंडीशन है थोड़ी ज़्यादा सीरियस है। लेकिन रेस्टोरेंट को छोड़ने से पहले अंकित ने उस माउथ फ्रेशनर का एक पैकेट अपनी जेब में रख लिया था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने वो देखते ही बोला अरे इसके अंदर तो ड्राई आइस है और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो अब देखते हैं कि इसके खिलाफ क्या एक्शन होते हैं, क्योंकि पुलिस ने उस रेस्टोरेंट के जो मालिक है उसके खिलाफ FIR दर्ज तो कर ली है, लेकिन आगे क्या एक्शन लिया जाता है क्या नहीं, तो ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन आप लोग जब भी कहीं बाहर जाओ कुछ भी खाने से पहले पूरा देखभाल करके मतलब ट्राई करना, सीधी सी बात है भाई, जान है तो जहान है।